वगैरह, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके बाद जो भी पहला त्योहार आता है तो उसे नहीं मनाया जाता, उस इंसान के लिए छोड़ा जाता है। ये रहा गंडेल, इसे बोलते हैं गंडेल। तो मेरी माँ तो बच गई गंडेल बनने से, है ना? हाँ। घी खा लिया ना? बस बस सर। रखो अपने सर में, मधु के सर में रखो। तो दादी के सर में रखेंगे। कितना बड़ा कद्दू धारा मुंडो, जिसको कद्दू चाहिए धारा तार संपर्क करे। अरे वो मुठा घर उन बाहर, तो इनको धोएंगे नहीं? नहीं ऐसे नहीं, अभी धूप पे सुखाएंगे। अच्छा पहले सुखाएंगे। हाँ। कैसा लग रहा है फिर चाची आपको गांव में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कितने टाइम बाद आ रहे हो आप गांव? एक साल बाद। एक जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बड़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने घर से। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आज है घी संक्रांति, तो आप सभी पहाड़ी लोगों को, मतलब सभी को बोल सकते हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी ऐसे त्यौहार आते हैं, सभी त्योहारों की तरह आज अलग अलग पकवान बनाने थे, लेकिन आज हमने वो नहीं बनाए। जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले, एक दादी की डेथ हो रही थी जो काशीपुर हुई थी, मतलब गांव में नहीं हुई थी शहर में हुई थी, तो उनकी वजह से आज हम मतलब नहीं बनाएंगे ऐसे पकवान वगैरह, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके बाद जो भी पहला त्योहार आता है तो उसे नहीं मनाया जाता, उस इंसान के लिए छोड़ा जाता है जिसकी डेथ होती है। तो इसलिए मतलब उनके डेथ होने के बाद ये पहला त्योहार है, तो इस टाइम इसे नहीं मनाया जा रहा, तो इसी वजह से हमने कल रात को ही दे दिया था दूध, क्योंकि इस संक्रांति में ऐसा, इस संक्रांति के जैसी भी जो भी कोई संक्रांति होती है तो उसमें ऐसे ही दूध दिया जाता है, तो हमने आज देना था लेकिन हमने कल ही दे दिया, क्योंकि आज लगा मतलब आज मनाना नहीं थे तो इसलिए हमें कल ही देना पड़ा। तो आज की संक्रांति की कुछ स्पेशल बात है वो मैं दादी से पूछूंगी कि स्पेशल बात क्या है। तो आज की संक्रांति में हमने अलग अलग पकवान बनाए थे, लेकिन आज नॉर्मल भी सब्जी और रोटी खानी पड़ रही है, और साथ में घी भी रखी है। तो दादी आज की संक्रांति में क्या बनाते हैं? अरे बूढ़ा पकानी, पकौड़ा बनानी, घी दींदी, दही दींदी, खीर पकानी, काकड़ी मुंगरी सब दींदी, तो छह नीचे काकड़ी भी नीचे मुंगरी भी नीचे वही तो है। अब संग्राम लागणी नी, पकौड़ा भी नीचे तो बूढ़ा भी नीचे। अब रोटा पे साग बनाई आज घी तो छह जरा वही थे खोला भाई क्या जरूरी है ना घी खान तो जरूरी चाहिए ना, आज ना तो रो गांडिया बन जाऊ। अच्छा जो आज घी नहीं खान वाला तो वो गांडिया बन जाऊ, तो आज घी जरूर खाना है। आज बार घी जरूर खान। हाँ, हाँ। तभी यहाँ पे घी का लोटा रखा है ना। हाँ। हमें गंडेल नहीं बनना ना, गंडेल के लिए बनो ना बोलो हमारे हम घी से शो वही तो। हाँ जी गंडेल वो बना रहे थे घी नहीं रो। हाँ वो बनो गंडेल। हाँ वो तभी खान से इधर लिया से इधर खान से वही तो। हाँ जी तब गंडेल नहीं बना। तब फटाफट से खाना खाएंगे। तो जैसा कि दादी ने बताया आज घी खाना जरूरी रहता है, नाम ही घी संक्रांति है तो घी खाना तो जरूरी होता है, और जो घी नहीं खाता वो गंडेल बनता है। तो मैं आप लोगों को गंडेल बताऊंगी कि गंडेल कैसा है, एक छोटा सा कीड़ा होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आज आप लोग भी घी जरूर खाना। वैसे तो वीडियो तब आएगी जब घी संक्रांति चली जाएगी, वैसे पहाड़ी लोगों को तो पता ही होता है, तो जिन्हें तो पता होगा वो तो इस बार भी खाएंगे घी, लेकिन जिन्हें पता नहीं होगा वो अगली बार से जरूर खाना घी संक्रांति के दिन भी। तो अभी आपको गंडेल बताते कि गंडेल कैसा होता है दिखने में। तो ये रहा गंडेल, इसे बोलते हैं गंडेल। तो ये ज्यादातर कंडाली पे रहते हैं, और कंडाली क्या है सभी चीजों पे रहता है उसके उसके, तो गंडेल के काम ये होते हैं, ये पत्तों को खाना तो ऐसे पूरे छेद छेद कर देते हैं, और घिन जैसी आती है उनको देख के, और कंडाली के भी पूरे पत्ते खा रखे हैं, यहाँ पे तो कम खा रखे हैं उधर ज्यादा खा रखे हैं। तो मेरी माँ तो बच गई गंडेल बनने से, है ना? घी खा लिया ना? बस बस सर। तो ये होता है गंडेल, जो पहाड़ी लोग होंगे वो तो इसे जानते होंगे। हाँ यार भैंस बंदी वही घू तो खानी थी, घास करनी चाहता। चलो दादी खा लिया आपने खाना? खा लिया, खाना खा लिया, खा लिया दादी। हाँ, अच्छा तो कितनी रोटी खाई? दो। किस चीज की सब्जी बनाई है आपने? बैंगनों की। अच्छा बैंगन, सब जगह बैंगन बैंगन ही हो रहा है। बैंगन बैंगन ही आती। तो आपके लिए एक कमेंट आया था, बल्कि मेरी दीदी को दिखा देना, मैंने बल 45 साल की कितने साल से नहीं देखी। अच्छा तो अब ये तो नाम मैं भूल गई, अभी पता नहीं लड़का था लड़की, पर मुझे याद नहीं है, पर आपके लिए कमेंट आया था। अच्छा आपकी भुल्ली होगी, अब भुला मुझे अच्छे से याद नहीं, भुल्ली आई। तो कुछ बोलना चाहती आप? भुलकुड़ी कुछ न
दीद का बनी देख हां तो देख मु ना वही तो आप देख ले ढंग ने हां बस मैं तो देख नहीं ले सुई रही अरे कोई वाने वो तो देख ला तुम थे हां वो देख ला है हां वो तो नहीं देखन वा वही तो वो देख दे ला तुम थे कोई वाने ऊख वाला ये खावा तो तुम भी देख दे ला हां जी हां ये खा ला तुम भी देख दूला वही तो आओ मु ना मैं तो हम ये जरा चुन आओ वही दी चाहिए तो आओ या खाई चाहिए तो आओ मु ना अच्छा वही तो देख दे बोल खुर्सी कहते चैल बया तो सभी बैठ जाती खुर्सी भी तो चैन चैन बैठना कड़ी अच्छा पैंट भी आएगा तुम ध्यान अरे सर करिए पानी वही तो क्या क्या लगा फिर आपका ककड़ी मुंगरी काकर मुंगरी आज कुछ नहीं खाया हो नहीं साग सब्जी कुछ नहीं खाया वही तो अभी क्या कुछ नहीं लगा खाली वही तो खाली बैंगन अब गोरदगर जाना है अब गोरदगर जाना तो भैसरा गढ़ लागू दाजी मुन तैयार दे हमरे ना हीट नहीं सकता अच्छा पानी दे तो गोर चला रही दाजी खाना पका ला खाना पका का तो चलन काम अच्छा तो कार फिर आप नाश्ता पहन ठीक नाश्ता यहाँ पे दोनों दादी और दादाजी भी मिल गए तो दादी आपने खा लिया खाना नहीं खाया अभी नहीं खाया तो किस चीज की सब्जी बनाई है आपने अरे बैंगन बैंगन सब बैंगन बैंगन ही हो रहा अच्छा अरे हाँ बिल्कुल आओ आप भी यहाँ पे मैंने बोला आज वीडियो बना लेते हैं आप भी धूल बैंगन साका दूं तो फिर बैंगन दी रहेगी घटून बैंगन अच्छा आपको ये वाले अच्छे लगते हैं हमें गोल वाले अच्छे लगते हैं दूसरे वाले तो ठीक है जिस दिन दूसरी सब्जी बनेगी उस दिन मैं भी आऊंगी खाने ठीक है ये बैंगन खा के तो मैं भी परेशान हो गई वही तो जिस दिन दूसरी सब्जी बनेगी उस दिन आऊंगी मैं ठीक है फिर खाओ आप खाना बाय कर दो दोनों के दोनों हैं तो मैंने बोला आज यहाँ आई हूँ तो दादी से मिलके भी आ जाती हूँ तो दादी खा लिया खाना खानो ख्याल है खाना ख्याल है नहीं खा अभी है अच्छा आप खान रोट खा ले रोट होता भात अच्छा भात खान बा बड़ी बार में हाँ हाँ दिन अच्छा अभी रोट खाने दोनों लाजे अच्छा रोड माँ तगोर दागे जाने तबे ठीक छे तुम्हारा ठीक ही छे बैठा दादी हाँ ठीक छे बैठा तो दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है अब एज भी ज्यादा हो गई और फिर बाकी बुढ़ापे में तो हो ही जाता है थोड़ी तबीयत वगैरह तो बैठे दादी हाँ अब तो जानवर हाँ जानो छू ठीक छे तो जो दादी मैंने सबसे पहले दिखाई उनके भाई या बहन का कमेंट आया था कि तुम्हारे गांव में मेरी दीदी रहती है तो उन्होंने दीदी का नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने उनका हस्बैंड का नाम बताया था राजेंद्र तो जो दादाजी थे उनका नाम ही राजेंद्र है तो तब मैंने वो दादी दिखाई तो क्या पता यही दादी रही होगी या दूसरी दादी मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये लगी तो फिर मैंने ये दिखाए तो तब जाके मैंने बोला उनको भी दिखा देते और थोड़ी वहाँ पे बूढ़ी दादी है उनसे भी बात कर लेंगे बाकी बूढ़ी दादी की अब तबीयत भी ठीक नहीं रहती और दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती तो इसलिए मैं कुछ और पूछ रही थी वो कुछ और जवाब दे देते लेकिन जैसा भी था अच्छा था थोड़ा बहुत दादी से भी बातें हो गई और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बन गया तो अभी दिन के 2:30 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाँव में जाने की तो जो मैं बता रही थी कि जिन दादी की डेथ हो रखी है उनकी वजह से हमने घी संक्रांति लगा रखी तो उनके फैमिली वाले गांव आ रखे मतलब उनके बहू बेटे मतलब चाचा और चाची जी घर आ रखे तो कल वो पूरे गांव को खाना खिलाएंगे तो अभी मैं उनके साथ जा रही हूँ और अभी हम पूरे गांव को न्योता देंगे तो चाची जा रही है और चाची के साथ मैं जा रही हूँ और दिन में जाने का ये रीजन है कि इस टाइम अभी सभी लोग घर में मिल जाएंगे और रात को फिर आजकल सांप जानवर वगैरह का डर होता है तो इस टाइम दिन में जा रहे हैं और सुबह से भी इसलिए नहीं गए कि सभी अपने कामों में इधर उधर रहते हैं तो इसलिए अभी इस टाइम पे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सो भी गई मैं और अब जाके हम गाँव में जा रहे हैं तो अभी तो मैं अकेले जा रही हूँ बाकी चाची उनके घर में चलते हैं और वहाँ से चाची भी मिल जाएगी अभी मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मुझे चाची भी मिल गई और चाची यहाँ पे काम कर रही थी तो भैया ये क्या है लिंगड़े तो क्या करोगे आप इनका अचार बनाएंगे इनका अचार बनाएंगे हाँ। तो एक कटोरी मेरे लिए भी भेजना ठीक है देखते हैं कैसे होता है लिंगड़ों का अचार ये अभी ट्रायल है अच्छा फर्स्ट टाइम अच्छा ये मोटे मोटे तभी कट रहे हैं क्या हाँ। तो इनको धोएंगे नहीं
ऐसे ही नहीं, अभी धोपे सुखाएंगे। अच्छा पहले सुखाएंगे। हाँ, हल्का सा। क्या क्या मिलाएंगे इसमें मिलाने के लिए? तो अभी देखते हैं क्या क्या मिलाएंगे। अच्छा शाम तक सब्जी भी बन सकती है इनकी, अभी सोचने हैं। हाँ। इधर भाभी देखो कैसे भाग रही है वीडियो क्या जैसे भाभी को देखना बोल मेरी वीडियो मत बना। 24 घंटे भाभी वीडियो बना रहे। वही तो हम यहाँ एक नींद सो के आ गए और आप अब आ रहे हो गाय चरा के। भाभी लाए खाना नहीं खा बुन, अब आराम से खाना खाओ तो छे जावा। ठीक है 4 बजे लोग काम करने जावा में छे जा। हाँ तुम बाद में 6 बजे उठा। हाँ इधर दीदी भी बर्तन धो रही है तो खा लिया दीदी भात? बर्तन धो रही। अच्छा क्या दाल बनाई थी फिर आपने? दाल तो मिक्स दाल बनाई थी। अच्छा तो फिर आप भी अब सो जाओ ठीक है? अब सो रही अब भी उठा रखे हैं। और मैं और चाची चलते हैं अब गांव में, और चाची को शर्म लग गई कैमरे को देख के। शर्म नहीं लगा नहीं कभी बोलने की। अरे कोई बात नहीं जन बोल सकती तुम तो। कैसा लग रहा है फिर चाची आपको गांव में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कितने टाइम बाद आ रहे हो आप गांव? एक साल बाद जब दादी को लेकर गए थे। हाँ अक्टूबर में। वही तो। हाँ, इस बार दादी को नहीं लाए। इस बार दादी को नहीं लाए फिर अब। वही तो। हाँ। कोई बात नहीं, अब जिसने होना तो हो ही गया। हाँ। तो चलो। हाँ। तो अभी हम बोलते बोलते यहाँ पहुँच गए। तो अभी हम बोलते बोलते यहाँ पहुँच गए इस ख्वाल में, और वहाँ पे चाची दादी को बोली, और आज यहाँ पे हसली भाभी का हेयर स्टाइल कुछ अलग नजर आ रहा है भाभी? आज तो प्लेन बाल बना लिया आपने, जवान लग रहे हो आप ऐसे। हाँ जवान लग रहे हो। जवान जवान कहाँ? आज तो काले बाल लग रहे हैं आपके। काले हैं, बहुत ज्यादा काले बन गए। अच्छा काले? काली तो पैदा हुआ मैं। काली पैदा? हाँ ठीक बोला, काले बाल बिल्कुल काली तो पैदा। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा कद्दू, लोग बोल रहे हैं बल कद्दू ही नहीं लग रहे। और यहाँ देखो तो खीरबोज चाहिए। हाँ भाभी से ले ले है ना, तो क्या कीमत है फिर इस खीरबोज की? कीमत नहीं है, आज ही ला रखा है तोड़ के। आज ही ला रखा है? तो जरा रखो अपने सर में। मम्मी के सर में रखो, दादी के सर में रखेंगे। लम्डा चलो खीरबोज दादी मोड़ कच मोड़े से तो 10 किलो होगा, 12-13 होगा, 12-13 किलो का कद्दू। दो देखो कितना बड़ा कद्दू धारा मुंडो, जिसको कद्दू चाहिए धारा तार संपर्क कर। अरे ऊम उठा ऊम घर उड़ो बात शो 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 मट कहेगा। हाँ बस दादी बस बल्लू लड़ दादी मटका। अरे बड़े लौड़ तुम बोलो खीरबोज इतना बड़ा कद्दू जिसको तो कहाँ लगा था आपको ये कद्दू? ये मिल गया मुझे कहीं कहीं, थोड़ा काला हो रखा है। फेरे लवली लगा उसमें क्योंकि मैं घास का अंदर था। हाँ मैंने देखा नहीं। हाँ इसी साल का है, थोड़ा लाल हो गया बस। इस साल का तो नहीं है ये, झूठ वाली साल का है। एक साल का कद्दू दिखा रहे हो हमें? नहीं वो घास के अंदर था ना, तब से लगा था थोड़ा कलर का। पहले साल का कद्दू बता रहे, नए साल में इस साल का है? नहीं नहीं झूठ मत बोलो, उसका रंग ही बता रहे। लेकिन कद्दू जबरदस्त है। यहाँ पे किट्टू और किट्टू की दादी बैठ रखे, तो किट्टू जय कर दे, जय कर दे, जय। अब पुच्ची भी कर दे, दादी को कर दे पुच्ची, चुट्टी बस चुट्टी है तो पुच्ची को चुट्टी बोलती है दादी। है दादी क्या बोलते हैं आप? चुट्टी पा कर दे, चुट्टी कर दे, चुट्टी चुट्टी कर दादी को, आज कर दे, आज कर दे दादी को, कर चुट्टी आज कह रहे। वो कैमरे को देख रहा है अच्छे से। नो नो दे 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 दे, ले पकड़ पकड़ ना ना ना, बता से पकड़ पहले, पा कर पा कर पा कर दे तब दे दे। आ गिट्टू अभी उठ रहा है ना, फिर थोड़ा अभी सोच विचार कर रहे हो है ना। चलो घूमी जाने से, ये फोन नहीं थी ना आई। तो अब जाके हम गांव से घूम के आ गए, और पूरे गांव में 2 घंटा लग गया घूमते घूमते,
और गांव में मैंने हर किसी के घर में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अभी दिन के टाइम पे सभी सो रखे थे, तो फिर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, फटाफट से बोला और जल्दी चले गए। बस किसी किसी की वीडियो बनाई, थोड़ा बहुत मैंने बोला थोड़ा बहुत दिखा लेते, और ज्यादातर जब उन्होंने कद्दू निकाला था तब जाके मैंने वीडियो बना ली, बाकी मैंने बोला इस टाइम सबको परेशान नहीं करेंगे। और अब आज का अच्छा खासा व्लॉग बन गया, अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, धन्यवाद।